जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन मेहता, मैं अपने YouTube चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और ये जजमेंट है रिलेटेड इंडिया में, मीन्स भारत में बहुत ही कंट्रोवर्सी चल रहा था आज से 5 मिनट पहले। वो कंट्रोवर्सी जो चल रहा था हिजाब लेके, कर्नाटक में मुस्लिम बहुत लड़कियां, कुछ 5 से 6 लड़कियां जो है वो जिद कर रही थी कि हम हिजाब पहन के स्कूल जाएंगे, और वहां पे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां पे उनको मना कर दिया था। और ये डिबेट इतना हो गया था कि हिंदू पक्ष के भी लड़के या लड़कियां अपने जो है भगवा वस्त्र पहन के, या फिर मुस्लिम लड़कियाँ इस सब स्कूल के गेट पर अब जो है जमा हो रही थी, और वो लोग जिद कर रहे थे कि दोनों साइड से जिद कर रहे थे, हम अगर मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन के जाएगी तो हिंदू लड़के या लड़कियां बोल रही थी कि हम भी स्कार्फ लगा के जाएंगे भगवे कलर का। ये मैटर इतना फैल गया था कि पूरे कर्नाटक में चला गया था, और हर एक स्कूल में मुद्दा बन गया था, और धीरे धीरे ये पूरे इंडिया का मुद्दा बन गया था। जब ये कर्नाटक हाईकोर्ट गया तो वहाँ पे जो है इसको जो है बैन लगा दिया, और कह दिया कर्नाटक हाईकोर्ट ने कि स्कूल में हिजाब पहन के या कोई भी धार्मिक जो है ड्रेस पहन के नहीं जाया जा सकता है। उसी को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में बहुत समय से लंबित था, लेकिन आज से 15 दिन पहले 10 दिन तक लगातार हेयरिंग चली, और फिर जजमेंट को रिजल्ट रखा गया, और आज जो है 13 अक्टूबर को जजमेंट सुनाया गया। और क्या जजमेंट सुनाया गया और क्या इसका इम्पैक्ट है, इसी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल से जुड़िए। साथ ही वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, और अपना सुझाव भी दें जिससे कि मुझे भी जो है लगेगा कि हाँ ये आपकी ज़रूरत है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जो है जैसा कि मैं बताया कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर लंबित था, हिजाब और पहन के स्कूल में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इस पे जो है दो जस्टिस के बेंच जो है सुनवाई कर रही थी, और 10 दिन तक हियरिंग की थी। इसमें जो जस्टिस थे वो जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धुल्लई थे, और ये जो है मैटर को जब 10 दिन तक सुने और 10 दिन तक हेयरिंग चली और रिजल्ट रखा गया था, तो आज 13 अक्टूबर को ये जजमेंट आया, और ये विखंडित जजमेंट आया, मीन्स खंडित जजमेंट आया, कंप्लीट जजमेंट नहीं आया, क्योंकि ये दो जज के बेंच थे, और दोनों जज का अलग अलग व्यू था, दोनों जज का एक व्यू नहीं था। एक जो है और सुधांशु ढोलिया ने जो दिया अपना जजमेंट, उसमें जो कहा गया कि जो भी हाईकोर्ट कर्नाटका हाईकोर्ट ने बैन लगाया है वो गलत बैन है, और इस पे कहा गया कि जस्टिस धुलिया की तरफ से कि कोई भी लड़कियां अगर वो स्कूल जाने जाती है और गेट पे उसको रोका जाता है और स्कार्फ पहने हुए, मीन्स वो हिजाब पहने हुए और रोका जाता है, स्कूल जाने नहीं दिया जाता, ये तो ये आर्टिकल 19(1) मीन्स आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल 25(1) और आर्टिकल 19 का वायलेशन है। और इसी को लेके जो है यहाँ पे बहुत ही मैटर उठा, और ये आर्टिकल 19 का जो वायलेशन बताया, आर्टिकल 21 का जो वायलेशन बताया, और आर्टिकल 25 का जो वायलेशन बताया, और इससे क्या हुआ कि वो जो है कर्नाटका हाईकोर्ट के जो है जजमेंट था उनको उन्होंने सेट असाइड कर दिया। लेकिन वहीं दूसरे तरफ हुआ कि जो जस्टिस हेमंत गुप्ता थे उन्होंने SLP को खारिज कर दिया, मीन्स इस कर्नाटका हाईकोर्ट के चैलेंज
कर्नाटका हाईकोर्ट के जजमेंट को जो चैलेंज किया गया था उसको हेमंत गुप्ता जो है खारिज कर दिया। मीन्स वो उनका कहने का अर्थ हुआ कि हाईकोर्ट जो है वो अपने जगह सही था, उनका जजमेंट सही था। और उन्होंने कहा कि हमने जो है 10 पॉइंट को डिस्कस किया, पॉइंट को चुना और डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद ऐसा पाया कि ये PIL ये SLP जो है मेंटेनेबल नहीं है। SLP मीन्स होता है कि, यहाँ पे मैं बता दूँ SLP क्या होता है। SLP होता है जब हाईकोर्ट किसी पे जजमेंट देती है और ख़ास मैटर होता है तो उसको कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में उसमें फाइल किया जाता है स्पेशल हियरिंग के लिए। और वो इस मिस हाईकोर्ट में अगर किसी का जजमेंट आया, वो जजमेंट रिलेटेड फंडामेंटल राइट के से लेके या अदर कोई जो है ना उसका ह्यूमन राइट है या अलग तरह का स्पेशल काइंड का अगर उसका वायलेशन हुआ है या स्पेशल काइंड का रेमेडी नहीं मिला है तो वो व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं हाईकोर्ट के अगेंस्ट। यहाँ पे वही SLP डाला गया था। और SLP डालने पे जो है ये दो जस्टिस के जो बेंच थे अलग अलग तरह से अपना जो है ना व्यू दिए और जजमेंट भी एक नहीं आया, खंडित जजमेंट आया। और इससे क्या हो गया कि अब ये जजमेंट आने के बाद दोनों तरफ से जो है क्वेश्चन उठने लगे हैं कि जो है मुस्लिम का लड़कियां कहती है कि हमें स्कूल जाने देना चाहिए हिजाब पहन के, लेकिन दूसरे तरफ हिंदू के पक्ष भी कहते हैं कि अगर मुस्लिम जाएगी तो हमारे हम भी जाएंगे क्या, कि हमारा भी राइट बनता है, हमारा भी रिजिस्टिंग बनता है। और दोनों तरफ से हो रहा तो यही है कि अब जो है ये जजमेंट आया है खंडित जजमेंट। इस खंडित जजमेंट को भेज दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, मीन्स लार्जर बेंच अब इसको सुनवाई करेगी। अब लार्जर बेंच देखना है कि कितने जज के थ्री जज के बेंच बनते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनते हैं जो 5 जज के बेंच बनेंगे। अगर ये ज़्यादा बेटर होगा कि इस मैटर को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजा जाना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस पर सुनवाई करे और बेटर से बेटर जो है अपना जो है ना ऑब्जर्वेशन लेके जो है ना इसको जजमेंट दे, जिससे कि होगा कि ये लैंडमार्क जजमेंट होगा, किसी तरह का रिलीजियस मैटर नहीं उठेगा, किसी तरह के दो समुदाय के बीच में तनाव नहीं पैदा होगा। इस तरह के जजमेंट देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्कूल जब कोड है, ड्रेस कोड होता है स्कूल में, तो फिर एक रिलीजियस ड्रेस को लेके पहन के जाने की क्या जरूरत है। रिलीजियस ड्रेस कोड नहीं पढ़ना चाहिए अगर स्कूल में ड्रेस कोड है तो यही अब देखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने जज के बेंच के पास के भेजते हैं। अगर 3 जज के पास भेजते हैं लार्जर बेंच के पास तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजे जो 5 जज के बेंच होंगे और उनका जो है ना जजमेंट होगा ज़्यादा लैंडमार्क होगा, ज़्यादा जो है उनको वैल्यूएबल होगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सके। थैंक यू। भारत माता की जय।